सभी जी के दर्शकों का इस खास प्रोग्राम जिंदगी आजकल में स्वागत है। मैं हूं ज्योति अरोड़ा, आपकी एस्ट्रोलॉजर, टैरो का रीडर और फेंगशुई मास्टर। आज है सोमवार और इस खास प्रोग्राम में आपको बताने जा रही हूं आपका आज का फोरकास्ट। और ये फोरकास्ट आधारित होगा आपके सनसाइन पर, और आपका सनसाइन होता है आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार जो आपकी राशि बनती है वो। तो जल्दी जल्दी देखिए आपकी क्या है राशि आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, और देखिए आज का फोरकास्ट। तो सोमवार वाले दिन यानी कि मेष राशि वालों के लिए कैसा जाएगा? मेरे टैरो कार्ड्स कहते हैं कि थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड कहता है किसी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस की वजह से स्ट्रेसफुल हो सकता है आज का दिन। आज हो सकता है कोई आपने इनकम्प्लीट टास्क छोड़ा हो जिसकी वजह से आपको सुबह सुबह किसी से डांट पड़ जाए और इस वजह से आप अपसेट हो जाए, या किसी और व्यक्ति ने कोई ऐसा इनपुट दे दिया हो जिसकी वजह से आपका कोई काम खराब हो जाए। तो बेटर होगा कि आप अपने आप को इक्विप करके रखिए कि अपने सारे काम टाइमली कंप्लीट करें, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम है ये कार्ड ये बताता है कि ये एक्सटर्नल इंटरफेरेंस की वजह से ही होगी। तो अवॉइड कीजिए कि कोई एक्सटर्नल पर्सन आपकी लाइफ में इंटरफेयर करे, और आप अपने काम बिल्कुल टाइम पर खत्म कीजिए तो ये प्रॉब्लम अवॉइड की जा सकती है। चलिए अब दूसरी राशि का रुख करते हैं। अब हम वृषभ राशि की बात करते हैं। तो टॉरेंस के लिए कार्ड निकल कर आया है मैजिशियन का। ये कार्ड ये बताता है कि अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था तो आज आपको एक अच्छे चिकित्सक का मिलेगा अच्छा ट्रीटमेंट, और आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको वो बहुत अच्छे से हैंडल कर लेगा। और अगर आपकी लाइफ में कोई और भी प्रॉब्लम चल रही है तो बहुत ही स्किलफुल व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी जो बहुत ही अच्छे तरीके से बिल्कुल किसी भी तरह का अगर उसे मैनिपुलेशन भी करना पड़े तो वो करके आपका काम हो जाएगा। देखिए अगर आपका कोई ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है जो जैसे आपका कोई मान लीजिए आपका रिटर्न जाना है, या आपका कोई भी इनकम टैक्स रिलेटेड इशू है, या आपका कोई भी टैक्सेशन से रिलेटेड इशू है, इसके अलावा कोई भी आपका लीगल इशू भी है, तो इस तरह की कोई चीज़ों में भी आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जो छोटी मोटी मैनिपुलेशन की जरूरत हो और आपकी चीज़ों को दुरुस्त कर दे। आज ऐसा दिन है जो आपको ऐसे व्यक्ति से हेल्प मिल सकती है। चलिए अब तीसरी राशि की बात करते हैं। अब बात करते हैं जेमिनी की। तो जेमिनी के लिए कार्ड निकल कर आया है ये कार्ड कहता है प्रिंसेस ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड। ये अपसेटिंग न्यूज बताता है आप लोगों के लिए। मैं ये कार्ड जब भी निकलता है ना तो मुझे हमेशा लगता है कि आज या तो कोई अपसेटिंग न्यूज आ रही है या किसी से आपकी बहस हो रही है, और ये बहस आपके लिए एक प्रॉब्लम का कारण बन सकती है। इस तरह से कि मूड तो अपसेट डेफिनेटली कर सकती है, लेकिन ये मूड अपसेट कर सकती है लेकिन ऐसा नहीं कि आपकी लाइफ में कोई परमानेंट प्रॉब्लम दे दे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इस चीज से आप पूरा दिन मत खराब कीजिएगा। इस अपसेटिंग न्यूज को साइड में रखकर बाकी चीजें अपनी टाइमली कंप्लीट करके और अपने दिन को निकालिएगा। मतलब मैं आपको यही कहूंगी कोई भी एक्सटर्नल न्यूज आपका पूरा दिन खराब ना करे, इसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करके चलिए। चलिए अब अगली राशि की बात करते हैं, कर्क राशि की। तो कर्क राशि के लिए निकला है ये कार्ड सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। देखिए ये कार्ड बहुत ही ज्यादा पॉजिटिविटी से भरा है, ऑप्टिमिज्म से भरा है। ये कार्ड देता है एक होप, यानी कि जब आप ऐसा लगे कि आप एक ऐसे समुद्र में फंस चुके हैं जहां तूफान है और आपकी नैया गोते खा रही है, तो आप ये मानकर चलिए कि अब आपका टर्बुलेंट पीरियड खत्म हो गया है। क्योंकि ये कार्ड देखिए, अगर इस कार्ड को भी अगर आप देखते हैं तो इसमें टर्बुलेंट वाटर में आपको ये मतलब जो है ना ये बोट नजर आएगी। तो टर्बुलेंट वाटर सेटल हो रहा है इस कार्ड का मतलब है, और रेनबो फिर से शाइन कर रहा है। तो ये कार्ड बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव इंडिकेशन देता है कि आपकी जिंदगी में जो प्रॉब्लम्स है उनका अब अंत होना निश्चित है, यानी कि अब आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब आज का दिन तो ऐसा ही बता रहा है। अब अगली राशि की बात करते हैं हम, लियो यानी कि सिंह राशि में क्या है। सिंह राशि का निकला है द स्टार कार्ड, यानी कि आज का दिन आपके लिए होप से भरा है, यानी कि जो आपने अपने लिए अपेक्षाएं रखी हैं, जो आपने अपने लिए उम्मीदें रखी हैं, उसमें आपको ईश्वरीय मदद मिल सकती है। ये डिवाइन इंटरवेंशन दिखाता है, यानी कि कुछ मान लीजिए कोई एक हादसा हुआ, आपके साथ कोई प्रॉब्लम हुई, आप किसी मान लीजिए कोई दुर्घटना हो रही है, तो एकदम से आप बच जाएंगे, ईश्वरीय मदद आपके पास आ जाती है। किसी भी प्रॉब्लम में भी अगर आप फंस गए हैं तो ईश्वरीय मदद आ जाएगी और आप उसमें बच जाएंगे। आज का दिन मतलब समझ लीजिए भगवान का हाथ है आपके सर पर। अब बात करते हैं अगली राशि की। तो कन्या राशि की बात की जाए, वर्गो के लिए निकला है ये कार्ड, ये है टेन ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड। ये कार्ड बताता है आज आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी अगर आप अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना चाहते हैं, यानी कि लोड ऑफ एम्बिशन आपका जो है ना वो बहुत हाई होगा आपकी एम्बिशंस को पूरा करने के लिए। आपको
आपको एक्स्ट्रा एज जाना पड़ेगा उनको कंप्लीट करने के लिए। ये कार्ड ये भी कहता है कि आपको मल्टीटास्किंग भी करनी पड़ सकती है आज के दिन। अपने ऑफिस में हो सकता है कि आपको अपना काम तो करना पड़े, लेकिन अपने जूनियर्स का, अपने सीनियर्स का, सबका काम करना पड़े और एंड ऑफ द डे में आप बहुत ही टायर्ड फील कर सकते हो। अब हम बात करते हैं लिब्रा की, यानी कि तुला राशि की। तुला राशि के लिए निकला है ये कार्ड, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। आज के दिन आपका बहुत ही ज्यादा रूखा व्यवहार लोगों के सामने आ सकता है, यानी कि आज के दिन आप हो सकता है बहुत ही प्रैक्टिकल वे में लोगों के सामने पेश आएंगे। आज आपका कोई भी ना, जैसे लिब्रा राशि वाले थोड़े से बैलेंस्ड और थोड़े से सौम्य भी होते हैं, लेकिन आज आपका एक अलग ही रूप लोग देखेंगे। शायद आज आप बहुत ज़्यादा अच्छे इमोशनल एटीट्यूड से लोगों से बात ना करें, आप बिल्कुल कट टू कट लोगों से पेश आएँ और आपको लगे कि कभी कभी ना प्रैक्टिकली लोगों से पेश आने की ज़रूरत पड़ती है, और आज का दिन शायद आपका ऐसा ही जाए। अब हम अगली राशि की बात कर लें, तो अगली राशि है वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि के लिए निकला है ये कार्ड, वृश्चिक राशि को आज फाइनेंशियल गेन होते हुए नजर आ रहे हैं। तो स्कॉर्पियंस के लिए एक अच्छी चीज है कि फाइनेंशियल गेन्स होते हुए आपके नजर आ रहे हैं, लेकिन एक चीज और है। ये कार्ड ये कहता है कि आप अपने जीवन में जो पुरानी बातें हैं, अपने अतीत से जुड़ी हुई बातों को ना आगे लेकर जा रहे हैं, अपने बैगेजेस को रिलीज करने की जरूरत है अगर आपको आगे बढ़ना है। अतीत में आपके साथ कुछ बुरा हुआ, उस चीज को आपने इतना ज्यादा अपने साथ बांध लिया कि आपने वर्तमान में ठीक से जी नहीं पा रहे, तो आपको ऐसी चीजों से ना अपने आप को रिलीज करना होगा ताकि आप फ्यूचर में खुश रह पाए। तो अब अगली राशि का भी रुख करते हैं। तो अगली राशि सेजिटेरियस के लिए निकला है ये कार्ड, सेजिटेरियस के लिए निकला है ये प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ये कार्ड अच्छी इन्फॉर्मेशन देता है आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड। मुझे ऐसा लगता है कि आपके ऑफिस में सबसे पहले तो जाकर अपने ऑफिस में ना अपने ईमेल्स चेक कीजिएगा, कोई ना कोई मेल ऐसी होगी जो आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन देगी अपनी जॉब से रिलेटेड। हो सकता है कि आपको किसी अच्छे प्रोजेक्ट पे लगाया जाए, या फिर हो सकता है कोई एप्रिसिएशन लेटर आपको मिल रहा हो, या आपके एचआर ने कुछ ऐसा लेटर दिया हो कि आने वाले समय में कोई स्पेशल इंसेंटिव स्कीम निकल रही है, ऐसा कुछ हो सकता है, या फिर हो सकता है आपको कोई इंटरव्यू कॉल आ जाए अगर आपने कहीं जॉब के लिए अप्लाई किया हो। तो अब हम अगली राशि का रुख करते हैं कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन के लिए निकला है ये कार्ड, कैप्रिकॉन का कार्ड तो भाई ये फाइव ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड तो बताता है कि आज आप किसी से उलझे ना तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये कार्ड ये बताता है कि आज किसी से भी उलझने से ना आपकी लड़ाई हो जाएगी, क्योंकि बिल्कुल कन्फ्रंटेशन का कार्ड है। जरा सा आपने किसी से आर्ग्यूमेंट शुरू किया, बहुत स्ट्रांग कन्फ्रंटेशन होगी और उससे आपके रिलेशन खराब हो जाएंगे। तो आज आप बिल्कुल मत उलझिए, अगर किसी से आप डिसएग्री कर रहे हैं तो आप बात को ना बिल्कुल आप डिस्कस ही मत कीजिए और आगे बढ़ जाइए। तो आज के दिन स्पेशली किसी भी आर्ग्यूमेंट में पड़ना आपके लिए हितकारी नहीं होगा। अब बात करते हैं हम अगली राशि, यानी कि एक्वेरियस की। तो कुंभ राशि के लिए निकला है ये कार्ड, कुंभ राशि का है प्रिंस ऑफ हार्ट्स का कार्ड। प्रिंस ऑफ हार्ट्स का कार्ड क्या कहता है, देखिए जिन लोगों का लव रिलेशनशिप चल रहा है उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा खुशी से भरा दिन होगा, क्योंकि आप अपने स्पेशल समवन के साथ काफी अच्छा समय बिताएंगे, और अगर आप सिंगल हैं तो कोई ना कोई आपके आसपास है जो आपकी जिंदगी में एंटर कर सकता है। और मतलब ये कार्ड तो देखो ना, मैंने आपको पहले भी कई बार मैं बताती हूँ कि ये कार्ड बहुत खूबसूरत कार्ड है। इस कार्ड में जैसे कि आप देख सकते हो ना कि इस घोड़े पे सवार होकर ये व्यक्ति अपने हाथों में दिल लेके घूम रहे हैं, तो ऐसे कोई व्यक्ति जो बहुत ज्यादा आपके लिए इमोशंस रखता है आपकी जिंदगी में है, जो शायद आपने पहचाना ना हो, और ऐसा कोई व्यक्ति अगर आप सिंगल है तो आपके जीवन में आ सकता है। तो अब बात करते हैं मीन राशि की, जो इतने सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे हैं अब तक। तो आपके लिए आज का दिन कैसा जाएगा, सोमवार का दिन देखिए आपके लिए थोड़ा सा स्ट्रेसफुल होगा अगर आपने कल रात को ठीक से नींद नहीं ली है, क्योंकि इसकी वजह से आपका स्वास्थ्य जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है। और मैं आपको सलाह यही दूंगी कि एटलीस्ट आपको आज रात को तो अपनी नींद ठीक से पूरी करनी चाहिए, क्योंकि जिन लोगों को माइग्रेन की प्रॉब्लम है उनके लिए आज के दिन थोड़ा सा ज्यादा केयर करने की जरूरत पड़ेगी। ये कार्ड ये भी बताता है कि अपने ड्रीम्स को आपको थोड़ा सा नोट करने की जरूरत, अगर आपको कोई नाइट में हराता है या कुछ आता है तो आप थोड़ा नोटिस कीजिएगा उसका पैटर्न। आपको पहले तो कहीं ऐसे ड्रीम्स नहीं आते थे, क्योंकि कुछ ना कुछ ड्रीम्स भी फोरटेल करते हैं। तो ये आप लोगों के सभी राशियों के बारे में आज का फोकस था। तो अगले शो में और आने वाले दिनों में आपका कैसे जाएगा वो मैं बताऊंगी आपको, और आज के दिन आपको शुभकामनाएं देती हूँ। अगले शो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।